अस्सलामु अलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफे एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज हम एमडी कैट का एक और पास पेपर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जीएसएमयू का एमडी कैट जो 2023 के अंदर हुआ था, बाद में से कैंसिल कर दिया गया था फॉर डिफरेंट रीजंस। एंड फिर डीयूएचएस ने रिकंडक्ट किया था। रिकंडक्ट का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे जीएसएमयू के एमडी कैट 2023 की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज द वायरसेस विद अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए। अच्छा भाई, ये प्लस स्ट्रैंड आरएनए क्या होता है? देखो, एक ऐसा वायरस जो कि अनएनवेलप्ड है। अनएनवेलप्ड का मतलब है उसके अराउंड कोई भी आपको कवरिंग एनवेलप नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके अराउंड कोई भी आपको एनवेलप नहीं मिल रहा, लिपिड रिच एनवेलप नहीं मिल रहा, और वो प्लस स्ट्रैंड है। प्लस स्ट्रैंड का मतलब ये है कि इसका जो आरएनए है, इट एक्ट डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि भाई कौन सा जो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज, क्या चीज बेस्ट कैरेक्टराइज करेगी। देखो, एक्ट डायरेक्टली की अगर मैं बात करूं तो बात तो सही है, मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली, इसका जो आरएनए वो मैसेंजर आरएनए की तरह डायरेक्टली एक्ट करेगा। बट द थिंग इज दे आर टॉकिंग अबाउट अनएनवेलप, क्योंकि प्लस स्ट्रैंड आरएनए एनवेलप प्लस स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, दैट इज एनवेलप, क्योंकि एनवेलप की बेसिस पे यू कैन बेस्ट कैरेक्टराइज द वायरस विद अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए। वेरी सिंपल, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए भी होते हैं, तो यू कैन नॉट कैरेक्टराइज बेस्ट। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छा भाई, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज रेबीज स्प्रेड। ठीक है, अगर मैं रेबीज की बात करूं तो रेबीज एक वायरस की वजह से होता है, एंड दैट इज बेसिकली द रैप्डो वायरस। ठीक है, रैप्डो वायरस की वजह से हो रहा होता है, बट द क्वेश्चन इज ये स्प्रेड कैसे होता है। तो अगर मैं रेबीज की बात करूं तो रेबीज नॉर्मली जो आपके स्मॉल मैमल्स होते हैं, जैसे डॉग्स हो गए, रैकन्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, तो नॉर्मली उससे फैल रहा होता है। बट मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करूं तो इट इज एक्चुअली स्प्रेड बाय द डॉग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास डॉग हो गया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेपेटाइटिस व्हिच पास थ्रू ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जो पास हो रहा होता है फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस की, तो वेरी कॉमनली इट्स हेपेटाइटिस सी, जो कि नॉर्मली जो है वो आपके पास मदर से चिल्ड्रन में जा रहा होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। वेरी सिंपल। ठीक है, अगर मैं हेपेटाइटिस ए की बात करूं तो नॉर्मली ये फीसेस से कांटेक्ट में आने से फैलता है। ठीक है, इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी भी कुछ इसी तरीके से फैल रहा होता है। हेपेटाइटिस बेसिकली इट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, वेरी कॉमन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायरस एंटर्स इन टू द बॉडी ऑफ अ होस्ट एंड इंटेंड टू प्रोड्यूस डीएनए फ्रॉम इट्स आरएनए। ठीक है, अब वेरी सिंपल थिंग कि एक वायरस आया सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, और वो अपने आरएनए से डीएनए बनाना चाहता है। अब नॉर्मली होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है, इसको आप क्या कहते हो, ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। ठीक है, नॉर्मली तो ये होता है, बट ये उल्टा काम करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? उल्टा काम, रिवर्स काम करना चाह रहा है। अब जब ये रिवर्स काम करना चाह रहा है तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, इसका उलट काम करना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज नहीं हो सकता, लाइगेज नहीं हो सकता, ऑक्सीडोरिडक्टेज नहीं हो सकता, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट क्या होती है? अब आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तो ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, बट एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीटली नहीं टूट पाता, एंड अल्टीमेटली इसमें से कौन सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? एसिड एल्डिहाइड के अंदर? नहीं भाई। फॉर्म एल्डिहाइड के अंदर? नहीं भाई। मिथाइल एल्कोहल के अंदर? नहीं।
बेसिकली इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इथेनॉल इज द राइट आंसर, या इथाइल एल्कोहल इज द राइट आंसर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैब साइकिल? ठीक है, क्रैब साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है? क्रैब साइकिल की बात करूं तो आपको पता है, क्रैब साइकिल, आप अगर ग्लूकोज से एनर्जी बनाने की तरफ जाओगे तो पहले आप करोगे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, फिर उसके बाद पाइरोवेट के साथ कुछ कहानी करते हो, फिर आप एंटर करते हो क्रैब साइकिल में, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही होती है. तो क्रैब साइकिल का पर्पस क्या है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड? नहीं, मेन मकसद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. यस, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एटीपी. आप क्या बनाने जा रहे हो? एटीपी थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नो प्रोडक्शन ऑफ पाइरोविक एसिड, नो प्रोडक्शन ऑफ विटामिंस, अगेन नो. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कैल्विन साइकिल. ठीक है, कैल्विन साइकिल, अगेन आपको पता है कि डार्क रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलती है. अब कैल्विन साइकिल के अंदर जो हमारे पास एक्सेप्टर, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कौन है? अगेन एक एंजाइम है. रंप? नहीं, पीजीए? नहीं, पीजीएल? नहीं, आर यू बी पी. यस, आर यू बी पी इज द राइट आंसर, बिकॉज आर यू बी पी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, फिर आगे जो है वो सारी कहानी चल रही होती है. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एरोबिक रेस्पिरेशन कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूसेस. अगर मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस करती है? मोर एटीपी? नहीं भाई, अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन को देखोगे तो वहां पे 38 या 36 एटीपी की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी. ठीक है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको टोटल 4 एटीपी की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ग्लूकोज से, या नेट की बात करूं तो 2. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 एटीपी. सवाल ये कर रहा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मोर एटीपी? नहीं भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है. डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी, ये तो बात ही गलत हो गई. 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं. लेस एटीपी? यस, लेस एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, इक्वल एटीपी? नो. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली फाउंड इन द सेम रेशियो, दैट इज 2:1. That why they are called, आप इन्हें क्या कहते हो? ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे, जनरल फॉर्मूला देखोगे कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, तो वो कुछ ही हो. अब अगर आप इसके अंदर देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशियो में मिल रहे हैं जिस रेशियो में वाटर के अंदर मिलते हैं, 2:1 का रेशियो. इस वजह से इन्हें आप क्या कहते हो? इन्हें आप कहते हो हाइड्रेटेड कार्बन. क्या कहते हो? हाइड्रेटेड कार्बन. नो कार्बन मोनोऑक्साइड, नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो ट्राइबोस. ठीक है, सो दे आर नोन एज हाइड्रेटेड कार्बन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज हाउ मच ऑफ टेम्परेचर रेज विल बी ऑब्जर्व एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी इफ एनर्जी इज यूज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. अब बाय डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. आपने किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम लिया, इसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आपको जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, दैट इज बेसिकली द स्पेसिफिक हीट. सो आपसे टेम्परेचर पूछ रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड हैज सेम परसेंटेज इन बैक्टीरियल एज वेल एज इन द मेमिलियन. ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसके जिसमें आप जो बैक्टीरियल सेल और मेमिलियल सेल दोनों के अंदर आपको इक्वल अमाउंट में मिलेगा. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वाटर की, कार्बोहाइड्रेट की, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इक्वल अमाउंट के अंदर मिलेगी? तो भाई देखो, आंसर इज वेरी सिंपल एंड द आंसर इज वाटर. अकॉर्डिंग टू आर बुक 70% आपको वाटर मिलता है इसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर और मेमिलियन सेल के अंदर. जबकि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट आपको 3% मिलता है बैक्टीरियल सेल के अंदर
4% मिलता है आपको मेमेलियन सेल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी आपको डिफरेंस मिलता है, बैक्टीरियल सेल में कम प्रोटीन होता है 15% और मेमेलियन सेल में 18% होता है। इसी तरीके से लिपिड की बात करूं तो लिपिड आपको बैक्टीरियल सेल में कम मिलेगा 2% और मेमेलियन सेल में 3% मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज द वाटर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लाइसर एल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसेटोन, ठीक है, अगेन ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप पढ़ते हो, ये किसकी एग्जाम्पल्स है? टेट्रोस की? नहीं, पहली बात तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट, तो जिंदगी आसान। अब इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? चार कार्बन होता है। टेट्रोज मतलब चार कार्बन वाली शुगर? नहीं भाई। हेक्सोज 6 कार्बन वाली शुगर? नो भाई। ट्रायोज 3 कार्बन वाली शुगर? यस, द सिंपलेस्ट शुगर ट्रायोज। ट्रायोज इज द राइट आंसर, नॉट इवन पेंटोज, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फॉर्मिंग ईस्टर बॉन्ड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन एल्कोहल। अब अगर आप देखो तो आपसे कह रहा है कि भाई एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लो और उसका ईस्टर बना दो विद द लॉन्ग चेन एल्कोहल। अच्छा, अब अगर यहाँ पे होता कि भाई फैटी एसिड के साथ आप मिला रहे हो ग्लिसरॉल, 3 कार्बन वाला, ठीक है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अगेन एल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, 3 OH वाला एल्कोहल, तो फिर आपका आंसर क्या होता है? असाइल ग्लिसरॉल होता है। बट यहाँ पे आपसे कह रहा है लॉन्ग चेन एल्कोहल, ग्लिसरॉल के अलावा कोई सा भी लॉन्ग चेन एल्कोहल हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर बनेगा दैट इज वेक्सिस, सो द करेक्ट आंसर इज वेक्सिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोजाइम रिप्रेजेंट द बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लाइसोजाइम की बात करते हैं तो लाइसोजाइम कौन सा स्ट्रक्चर, कौन से लेवल ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं? अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी की एग्जाम्पल है इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन, तो ये तो हो नहीं सकता। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की तो सेकेंडरी की एग्जाम्पल हो गए हेयर्स, ठीक है, ये भी नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं टर्शरी की तो यस लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। क्वार्टनरी की बात करूं तो इसकी कॉमन एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, तो आपके पास क्वार्टनरी भी हो सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर ऑफ मेनी हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है, ये सेक्स हॉर्मोन्स है। अब सेक्स हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन कौन सा कंपाउंड कर रहा होता है? तो वेरी सिंपल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई सारी विटामिन डी, ये सारी चीजें जो है वो कोलेस्ट्रॉल ही बना रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत हलवा क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कितना मुश्किल सवाल है ना, तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज अ हेड एंड टू टेल्स, वेयर आर द टेल्स फाउंड, ठीक है। आपको पता है कि मेम्ब्रेन्स के अंदर आपको, मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या मिलेगा? फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो ये है फॉस्फोलिपिड और ये है मेम्ब्रेन। आपको पता है दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की। अब सवाल ये होता है कि ये वाला तो हो गया हेड, ये हो गया हेड, ये भी हो गया हेड, टेल कहाँ मिलेगी आप इस फॉस्फोलिपिड की? तो वेरी सिंपल, टेल आपको बीच में मिलती है, दैट इज द इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन। करेक्ट आंसर इज इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मे लीड टू डेथ बाय द एज ऑफ 3, ठीक है, इनमें से कौन सा डिजीज ऐसा है जिसके अंदर डेथ बाय द एज ऑफ 3 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगेन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज की बात की जा रही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इट्स अ बुक लाइन, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज टे सेक्स डिजीज, ठीक है। टे सेक्स डिजीज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? टे सेक्स डिजीज के अंदर आपको मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस, ये सब देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं गॉशर डिजीज की बात करूं तो गॉशर डिजीज के अंदर आपको लिवर, स्पीन एनलार्जमेंट यानी कि हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, ये देखने को मिलेगी, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, क्रेबीज डिजीज। अगर क्रेबीज यहाँ पे बाय द एज ऑफ 2 होता है ना तो क्रेबीज डिजीज होता है, ठीक है। गॉशर डिजीज छोड़ दो, क्या आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करेगा? एडहेसिव? नहीं। इम्परमिएबल? नहीं भाई, इम्परमिएबल तो नहीं होती। अगर सेल के अंदर किसी चीज को आना है तो वो तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगा।
ये सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमीएबल। सेल मेम्ब्रेन को पता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि किस चीज को अंदर जाने देना है और किस चीज को अंदर जाने नहीं देना, परमीएबल नहीं है। अगर सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल इज फुली परमीएबल, सेल वॉल इज फुली परमीएबल। तो ये तो हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हाट इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। ठीक है, टू डॉटर सेल्स यानी कि दो सेल्स बने उनके दरमियान जो सीमेंटिंग लेयर है वो लेयर जो जोड़ेगी दो सेल्स को, वो कौन सी लेयर होगी? लेट सपोज ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों के दरमियान ये वाली जो लेयर होगी सीमेंटिंग लेयर, ये कौन बनाएगा? इट इज फॉर्म्ड बाय द मिडिल लैमेला, इट इज फॉर्म्ड बाय द मिडिल लैमेला, क्योंकि इसके अंदर पैक्टिन होता है, ये दोनों सेल्स को चिपका के रखेगा, दोनों सेल्स को चिपका के रखेगा। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, अच्छा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन, प्रोटीन लेयर एम्बेडेड इन लिपिड बाय लेयर, दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रोटीन लेयर की जो कि लिपिड बाय लेयर में एम्बेडेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड आ गया आपके पास और इसके अंदर आपको जगह जगह क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। अब ये जो मॉडल है ये कौन सा मॉडल है? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने का अगर आप देखो तो दोनों तरह के प्रोटीन आ गए, इंटीग्रल प्रोटीन आ गया, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आ गया। ठीक है, अब ये बेसिकली कौन सा मॉडल एक्सप्लेन करता है? इट इज एक्सप्लेन बाय द फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि सिंगर और निकल्सन ने दिया था, नॉट सैंडविच मॉडल, नॉट इंड्यूस फेड मॉडल एंड नॉट लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस गिवन स्ट्रक्चर फंक्शन इज एसोसिएटेड विद लाइसोसोम। ठीक है, अब कौन सा बेसिकली फंक्शन लाइसोसोम से मैच कर रहा है? सो लिपिड सिंथेसिस, भाई लिपिड सिंथेसिस तो लाइसोसोम का काम नहीं है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इज द फंक्शन ऑफ गॉल्जी। ठीक है, तो ये भी गया। प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये आपका राइबोसोम का काम है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन तो गलत होता है। फिर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास तकरीबन 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको मिल रहे होते हैं लाइसोसोम के अंदर जो सेल के अंदर डाइजेशन करवा रहे होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली हाउ लॉन्ग डज इट टेक एन एक्शन पोटेंशियल टू आकर। ठीक है, तकरीबन एक्शन पोटेंशियल होने में कितना टाइम लगता है? अगर मैं एक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो ऑब्वियसली एक्शन पोटेंशियल को आपको मिनट्स तो नहीं लगेंगे या आवर्स तो नहीं लगेंगे, बहुत रैपिड काम होता है। तो बहुत रैपिड काम होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको फ्यू मिली सेकेंड्स लगेंगे। तो अबाउट फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर आपका एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्स इन कैरिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो ब्रेन का एक पार्ट ऐसा है जो बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो कौन सा ब्रेन का पार्ट है? ठीक है, अगर मैं बात करूं हिप्पोकैम्पस की, सो यस हिप्पोकैम्पस इज द राइट आंसर। ठीक है, सेरेब्रम नॉर्मली आपकी जो कॉग्निटिव चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी है उससे रिलेट कर रहा होता है, सेरिबेलम आपके डिफरेंट मसल्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, पॉन्स के डिफरेंट फंक्शन है। तो अगर मैं बात करूं इसका करेक्ट आंसर तो क्या होगा? हिप्पोकैम्पस होगा। ठीक है, अगेन मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज अ रिफ्लेक्स इन्वॉल्व अ सेंसरी एंड अ मोटर न्यूरॉन, द वे ऑफ सच ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक रिफ्लेक्स है जिसके अंदर एक सेंसरी न्यूरॉन है, भाई सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आएगी, लेट सपोज दिस इज द रिसेप्टर, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आई थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन और आगे आगे चली गई है किसके पास? इफेक्टर के पास। ठीक है, थ्रू द मोटर न्यूरॉन। अब ये क्या है? ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, तो इसे आप क्या कहोगे? रिफ्लेक्स आर्क कहोगे, वेरी सिंपल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज आर रिक्वायर्ड फॉर इम्पल्सेस
टू ट्रांसफर फ्रॉम प्री साइनाप्टिक टू पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब अगेन एक सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। कैसे, लेट सपोज दिस इज प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, देन दिस इज पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये दो न्यूरॉन्स हो गए। अब सवाल ये कह रहा है कि कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स को ट्रांसफर करने में। अब देखो, आपको पता है कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो जाता है। बट क्या इसका आंसर सोडियम हो सकता है? अब अगर मैं इसको यहाँ पे, चलो इसको मैं प्रॉपर वे में बड़े करके बनाता हूँ। ठीक है, सपोज ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है एंड ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, आपको पता है कि इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर वेसिकल्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड द साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली इस मैसेज को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर भेजता है। तो जब ये बाइंड कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरोट्रांसमीटर आया और ये बाइंड कर गया इस रिसेप्टर के साथ, तभी सोडियम की अंदर एंट्री होती है। बट सवाल ये होता है कि अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना हो तो क्या सोडियम की एंट्री से हो जाएगा? नहीं। बेसिकली आप जब पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल पढ़ोगे तो ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आता है और ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आने की वजह से इसकी जो प्री साइनाप्टिक न्यूरोन की मेम्ब्रेन है इसके अंदर वोल्टेज डिफरेंसेस आते हैं और वोल्टेज डिफरेंसेस आने की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स खोलते हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है इनटू द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ये कैल्शियम इस साइनेप्टिक वेसिकल को लेके जाता है और बाइंड करवा देता है विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेटली ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो अगर कैल्शियम ना हो तो क्या इम्पल्स ट्रांसमिट हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं ट्रांसमिट हो पाएगा। सो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बनता है दैट इज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डोपामिन सर। ठीक है, डोपामिन का फंक्शन क्या है? एनेस्थीसिया का काम करते हैं? नहीं भाई। सेडेशन का काम करते हैं? नहीं। और ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग का काम करते हैं? नहीं। इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है ये भाई? न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शन सच एज थिंकिंग रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो थिंकिंग, सोचना, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सारी चीजों से डील कर रहा होता है? ठीक है, तो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया था इसको। बेसिकली आपका जो ब्रेन है उसके अंदर सेरिबेलम आपके डिफरेंट मसल्स को कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, उसके अलावा आपके पास आता है सेरिब्रम। ये सेरिब्रम इज द राइट आंसर, क्योंकि आपके जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी पर्सनैलिटी, ये अल्टीमेटली सेरिब्रम में हो रहा होता है। हाइपोथैलेमस का काम थोड़ा सा डिफरेंट है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नॉर्मली ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, तो अगेन ये फंक्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फॉर्म वेन द ब्लास्टुला फोल्ड इनवर्ड। ठीक है, आपको पता है ब्लास्टुला होता है एंड ब्लास्टुला के बाद जो नॉर्मली स्टेज आ रही होती है दैट इज गैस्ट्रुला। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ब्लास्टुला फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये माइग्रेशन होती है एंड अल्टीमेटली लेयर्स बनना शुरू होती है। सो दिस इज बेसिकली गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला इज द राइट आंसर। गैस्ट्रुला इज द राइट आंसर एंड अल्टीमेटली गैस्ट्रुला जो है वो बन रहा होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनोमेना डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल फॉर्म बाय सेक्सुअल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब सेक्सुअल फॉर्म का एसेक्सुअल में कन्वर्ट होना और एसेक्सुअल का सेक्सुअल में कन्वर्ट होना, दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, नॉट पैरासिटिज्म, नॉट कॉलोनी, नॉट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल रीफ यूज्ड बाय हकीम इन प्रिपेयरिंग द ईस्टर्न मेडिसिन। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि भाई हकीम कौन से कोरल रीफ को नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग ईस्टर्न मेडिसिन। तो इसके पास आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? अगेन ये बुक लाइन है एंड द करेक्ट आंसर इज मरजान। ठीक है, रेड कोरल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवोल्यूशनरी
progress towards formation of organ system in Nereids involve the development of interon and, ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास जो एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस है ऑर्गन सिस्टम बनने में Nereids के अंदर, उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो एंटरॉन बनती है और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, आपको आपको जो ऑर्गन सिस्टम की बात होती है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट के अंदर एक तो एंटरॉन कैविटी बन गई, उसके अलावा देयर इज अ रुडिमेंट, देयर इज बेसिकली रुडिमेंट्री नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है, इस रुडिमेंट्री नेटवर्क ऑफ नर्व्स का फायदा क्या है, देखो बेसिकली ऑर्गन सिस्टम के अंदर अगेन आपको ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, ऑब्वियसली आपको जो है वो नर्व नेट चाहिए जो कि कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प करे और डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के अंदर हेल्प करे, सो द करेक्ट आंसर इज रुडिमेंट्री नेटवर्क ऑफ द नर्व्स, ठीक है, नॉट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गन सिस्टम की तरफ जा रहे हो तो ये तो नहीं हो सकता, न्यूरोसाइट्स तो सेल्स हैं वो डिफेंसिव काम कर रहे होते हैं, सिमेट्री इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इन द स्टमक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक इट्स 1.4, अकॉर्डिंग टू योर बुक इट्स 1.4, ठीक है, तो 1.4 इज द पीएच जिसके अंदर पेप्सिन आपके पास होता है, ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट इक्विलिब्रियम अ साइंटिस्ट एड मोर सबस्ट्रेट एंड ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विच सून डिक्लाइन, ही एडेड सम मोर सबस्ट्रेट बट दिस टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनअफेक्टेड, वॉट वॉज द रीजन, अब अगर आप एक ग्राफ बनाओ, आपने क्या किया, यहाँ पे सबस्ट्रेट को बढ़ाना शुरू किया, सबस्ट्रेट को बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, अल्टीमेटली एक वक्त आया कि जब आपने और सबस्ट्रेट डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, व्हाट्स द रीजन, रीजन क्या है, सबस्ट्रेट ने काम नहीं किया, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, फीडबैक ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, यस दिस इज द राइट आंसर, आपको पता है कि जितना ज्यादा, अब जाहिर सी बात है सब्सट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली आपने सब्सट्रेट डाला, सब्सट्रेट बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, लेकिन एक वक्त आया कि एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन स्ट्रेट हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड हो गया, सो दिस इज द राइट आंसर, एंजाइम वाज मोर देन सबस्ट्रेट एक्टिव साइट, अगर एंजाइम ज्यादा होते सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से तो रेट ऑफ रिएक्शन मुसलसल बढ़ता, तो ये तो हो भी नहीं सकता, एंजाइम डिड नॉट फंक्शन, ये भी नहीं हो सकता, आपके पास करेक्ट आंसर, ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिसिलिन ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम दैट मेनी बैक्टीरिया यूज इन मेकिंग सेल, ठीक है, बेसिकली आपके पास पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है, एक एंजाइम होता है जिसे आप कहते हो ट्रांसपेप्टाइडेज, ठीक है, उससे जो है उसको ये इनहिबिट कर उसको बेसिकली इनहिबिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वो सेल वॉल नहीं बना पाता, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है, अगर मैं इसकी बात करूँ इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, होता यह है कि ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज है इस पे जाके कॉम्पिटेटिवली बाइंड कर जाता है, सो इट्स अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम की एक्टिव साइट, ये क्या करेगा पेनिसिलिन जाके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगा एल्टीमेटली, ठीक है, तो अगेन कॉमन क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज ऑल्टर्ड बाय, ठीक है, एंजाइम का स्ट्रक्चर कौन ऑल्टर कर रहा होता है, आपको पता है कि अगर दिस इज द एंजाइम, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द एंजाइम, अब यहाँ पे एक साइट है जिसे आप कहते हो एलोस्टेरिक साइट, अगर इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड कर जाए तो एक्टिव साइट का शेप क्या हो जाएगा चेंज, और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर कौन ऑल्टर कर रहा है, एंजाइम का स्ट्रक्चर बेसिकली ऑल्टर किया जा रहा है बाय द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इसको आप नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहते हो जो एलोस्टेरिक साइट पे लगे अदर देन एक्टिव साइट लगे, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल सब्सटेंस दैट कैन रिएक्ट विद एन एंजाइम फास्टर देन द रियल सब्सट्रेट एंड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, अब बहुत सिंपल सा अगेन एक क्वेश्चन आ गया कि भाई वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम से बहुत तेजी से बाइंड कर जाता है सब्सट्रेट के मुकाबले में और एंड प्रोडक्ट नहीं बनने देता, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंजाइम, ठीक है, इस एंजाइम के ऊपर ये लगा और लगने के बाद ये इतनी तेजी से लगा कि सब्सट्रेट बाइंड नहीं कर पाया,
और एंड प्रोडक्ट नहीं बन रही, तो क्या ये एक्टिवेटर होगा? एक्टिवेटर तो एंजाइम को काम करवाने के अंदर हेल्प करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। एक्सेलरेटर एंजाइम को काम करवाएगा, वो एंजाइम एंजाइम को काम करवाने देता है, तो ये भी नहीं हो सकता। द आंसर इज इनहिबिटर, इनहिबिटर इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एविडेंस ऑफ एन इवोल्यूशनरी पाथवे लीडिंग फ्रॉम रेप्टाइल्स टू बर्ड्स। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपने रेप्टाइल्स से बर्ड्स की तरफ इवोल्यूशन पढ़नी है, उसके लिए सबसे बेस्ट एविडेंस क्या होता है? दैट इज बेसिकली आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये लिंक करता है बर्ड्स और रेप्टाइल को। अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स हैज लॉन्ग बीन अ डिफिकल्ट इशू फॉर बायोलॉजिस्ट अंटिल द डिस्कवरी ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इन 1861। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स के आपको फॉसिल्स मिले 1861 के अंदर, तब तक जब तक ये इसकी फॉसिल्स हमें नहीं मिले थे, तब तक बर्ड्स की इवोल्यूशन को समझना बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत मुश्किल था। अब आपसे कह रहा है कि दस एंशियंट बर्ड एग्जिबिट टीथ, अ लॉन्ग टेल कंटेनिंग 20 वर्टिब्री एंड अ विंग विद मूवेबल फिंगर एंड क्लॉस। ठीक है, अब इस बर्ड के क्या क्या फीचर्स थे वो आपको बता रहा है। इन द लाइट ऑफ द मेंशनड फैक्ट्स हु वर द एंसेस्टर ऑफ द बर्ड। अब इसके पास क्या टीथ है, दूसरी बात टेल है जिसके अंदर 20 वर्टिब्रीज है, और विंग्स है विद मूवेबल फिंगर्स एंड क्लॉस, मूवेबल फिंगर्स और क्लॉस है। तो सवाल ये होता है कि भाई इसके एंसेस्टर्स कौन थे? अभी ऊपर बताया आर्कियोपिटेरिक्स के एंसेस्टर, अगेन ऊपर एक क्वेश्चन दिया और उसको नीचे ही जो है इलैबोरेट कर दिया। सो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स इज द राइट आंसर। बर्ड्स के जो एंसेस्टर्स थे दे वर बेसिकली रेप्टाइल्स, क्योंकि मूवेबल फिंगर्स हैं एंड क्लॉज हैं, वैसे तो ऊपर इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, व्हाट डज दिस टर्म मीन। ठीक है, अब अगेन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाई ब्रीडिंग के अंदर, तो इसने इवोल्यूशन का एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया। इस टर्म का मतलब क्या है? म्यूटेशन, म्यूटेशन इज बेसिकली जिसके अंदर आप डीएनए में चेंजेस देख रहे होते, तो ये तो चीज नहीं हो सकती। होमोलॉजी, ठीक है, होमोलॉजी के अंदर आप बेसिकली ये देखते हो कि दो ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर सेम, फंक्शंस डिफरेंट है, होमोलॉजी है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनके आज कोई तो फंक्शंस नहीं है, बट आज से पहले एंसेस्टर्स के अंदर फंक्शन थे, तो ये भी नहीं हो सकता। सो डोमेस्टिकेशन इज द राइट आंसर। डोमेस्टिकेशन के अंदर आप क्या करते हो, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाते हो, सो इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड दिस इज बेसिकली द डोमेस्टिकेशन। वेरी सिंपल। ठीक है, ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कैरोलस लीनियस वॉज द बिलीवर ऑफ। ठीक है, कैरोलस लीनियस किसका बिलीवर था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का, नेचुरल सिलेक्शन का, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, या कैटास्ट्रोफिज्म का? अगर मैं बात करूँ कैरोलस लीनियस की, इट्स अ बुक लाइन कि हमारे पास जो कैरोलस लीनियस था वो ये बिलीव करता था कि आज का ऑर्गेनिज्म सेम एज इट इज क्रिएटेड बाय द गॉड एंड देयर इज नो इवन एवोल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि ही वाज द बिलीवर ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द सिस्टम सिस्टेमिक सर्किट व्हिच इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सिस्टम। नहीं भाई, ऐसी कोई चीज नहीं होती। कार्डियक आउटपुट, यस, कार्डियक आउटपुट इज द ब्लड व्हिच इज पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, अगर ये एक अगर लेफ्ट वेंट्रिकल एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना वॉल्यूम पंप कर रहा है ये पूछता है, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, वो अलग चीज होती है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, उल्टा क्या है। सिस्टोल नहीं हो सकता, एट्रियल सिस्टम नहीं हो सकता। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन इट्स इनएक्टिव स्टेट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द डाइजेस्टिंग इट्स ओन सेल। तो कौन सा एंजाइम है जो इनएक्टिवेटेड स्टेट के अंदर सिक्रीट होता है, फिर बाद में आप उसको एक्टिवेट करते हो? बेसिकली इनएक्टिवेटेड स्टेट के अंदर रिलीज करने का मकसद ये है कि कहीं वो अपने ही सेल्स को क्या ना करना शुरू कर दे, डाइजेस्ट ना करना शुरू कर दे। तो लैक्टोज की ऐसी कोई कहानी नहीं होती, माल्टोज की ऐसी कोई कहानी नहीं होती, सुक्रेज की ऐसी कोई कहानी नहीं होती। बेसिकली पेप्सिनोजेन रिलीज होता है और ये पैप्सिनोजेन कन्वर्ट करवाया जाता है पैप्सिन के अंदर बाय एचसीएल, ताकि ये पैप्सिन खतरनाक इफेक्ट
ना करे और स्टमक की सेल्स को ही डाइजेस्ट करना ना शुरू कर दे. सो द करेक्ट आंसर इज पेप्सिन. पेप्सिन इन एक्टिवेटेड स्टेट के अंदर सिक्रीट होता है ताकि डाइजेशन से अपने ही सेल्स को डाइजेशन से बचाया जा सके. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्निवोरस एडाप्टेशन ऑफ प्लांट ड्यू टू रिलेटिवली लो कॉन्टेंट ऑफ. ठीक है, कार्निवोरस प्लांट्स कार्निवोरस क्यों हो जाते हैं, किस कॉन्टेंट की उनको कमी होती है? तो आपको पता है जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं नॉर्मली एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है. तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से फिर उनको कार्निवोरस फीचर जो है वो अडेप्ट करना पड़ता है. इसलिए नाइट्रोजन इज द राइट आंसर. नाइट्रोजन इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन न्यूट्रिशनल टर्म्स व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज संड्यू कैटेगराइज्ड. ठीक है, संड्यू अगेन एक कार्निवोरस प्लांट है और कार्निवोरस फॉर अ सेंस कि इनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है एंड नाइट्रोजन की कमी की वजह से इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कार्निवोरस एडेप्टेशन के अंदर चले जाते हैं. बट ऐसा नहीं होता कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते, ये टोटली हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर चले जाते हैं. रॉन्ग, ये पार्शली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और पार्शली हीटरोट्रॉफिक होते हैं. सिर्फ अपनी ये जो नाइट्रोजन वाली जरूरत है उसके लिए हीटरोट्रॉफिक होते हैं, बाकी ये ऑटोट्रॉफ ही होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज पार्शली ऑटोट्रॉफिक पार्शली हीटरोट्रॉफिक. ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सेमी ल्यूनर वाल्व. सेमी ल्यूनर वाल्व के बारे में क्या चीज इनकरेक्ट है, क्या चीज इनकरेक्ट है, सॉरी क्या चीज करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, क्या चीज करेक्ट, करेक्ट की बात करें. सो प्रेजेंट इन आर्टरीज टू रेगुलेट जर्क इन पल्सेशन. सेमी ल्यूनर वाल्व तो आर्टरीज के अंदर नहीं होते, तो ये तो चीज गई. ठीक है, प्रेजेंट इन वेन टू प्रिवेंट बैक फ्लो. सेमी ल्यूनर वाल्व्स वेन्स के अंदर होते हैं बैक फ्लो को बचाने के लिए. यस यस दे आर प्रेजेंट इन द वेन्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो. फॉर एग्जाम्पल ये वेन है, ठीक है, इस वेन के अंदर ये वाल्व. अब होगा ये कि ब्लड पीछे आने की कोशिश करेगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा और ब्लड पीछे नहीं जा पाएगा. सो ये वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बैक फ्लो को बचाने के लिए होते हैं. एओर्टा में कोई वाल्व नहीं होता इस तरह का, कैपिलरीज के अंदर भी कोई इस तरीके की वाल्व नहीं होती. वेन्स के अंदर होते हैं, बैक फ्लो से बचाते हैं. वेरी सिंपल, करेक्ट ऑप्शन पूछा था. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन लंग इज 5 लीटर. टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर. व्हाट परसेंटेज ऑफ इट इज फिल्ड व्हेन वन टेक एक्स्ट्रा डीप ब्रेथ. अब आपकी बुक ही कहती है अगर एक शख्स विद एन एक्स्ट्रा डीप ब्रेथ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इज कॉल्ड अ वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, आप बहुत डीप सांस लो और डीप एक्सपायर कर लो. ठीक है, तो दैट इज द वाइटल कैपेसिटी. और वाइटल कैपेसिटी में आप नॉर्मली 4 लीटर्स तक जो है वो एयर इनहेल और एक्सहेल कर सकते हो, विच इज एवरेज. ठीक है, तो ये कितना परसेंट है, अब 5 में से भाई 5 लीटर है, 5 लीटर में से 4 लीटर है, कितना आप फिल कर सकते हो, कितने परसेंट फिल कर सकते हो? ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लियर कि 4 लीटर फिल कर सकते हो 5 लीटर में से, तो इट्स 80%. ठीक है, 80% है भाई, सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ वर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अर्थ वर्म किसकी एग्जाम्पल है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है. अच्छा, अब अगर मैं अर्थ वर्म की बात करूं तो आपका जो अर्थ वर्म है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डेट्रिट्रोस. ठीक है, नॉट फ्लूइड फीडर, नॉट मैक्रोफेगस, नॉट माइक्रोफेगस. सो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन डी. बेसिकली आपका जो अर्थ वर्म है ये डेड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहा होता है, इसलिए आप डेट्रिट्रोस कह रहे होते हो. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. द क्वेश्चन इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूटिलाइज H2S इंस्टेड ऑफ वाटर एंड लिबरेट वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, आपको पता है प्लांट यूज करते हैं H2 तो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये यूज करते हैं H2S, ये क्या रिलीज करेंगे, ऑब्वियस ही बात है ये रिलीज करेंगे सल्फर. तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, सल्फर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया दैट आर यूज टू मेक द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन फॉर द डायबिटीज. के कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है जिसको आप इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए
यूज कह रहे हो तो ठीक है, तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है आपके पास, राइजोबियम इज नॉट द राइट आंसर, नीमोकोकस नो, नॉस्ट नो, ईकोला इज द राइट आंसर। ईकोला को आप यूज कह रहे हो तो ताकि आप इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वगैरह बना सको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अबाउट, बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द प्लांट्स, ठीक है, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो सेल्यूलोज नहीं, हेमी सेल्यूलोज, काइटिन नहीं, काइटिन फंजाई में मिलता है, सेल्यूलोज एंड क्यूटिन, क्यूटिन इज नॉट फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, अमाइनो एसिड एंड शुगर, के अमाइनो एसिड और शुगर मिलकर बनाते हैं पैप्टाइडो ग्लाइकेन। तो आपकी जो बैक्टीरियल सेल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पैप्टाइडो ग्लाइकेन, पैप्टाइडो ग्लाइकेन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट सर्व्स एज वेक्टर इन द जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है, वेक्टर वेक्टर के तौर पे यूज कौन हो रहा होता है, प्लास्टिड्स, नहीं भाई प्लास्टिड्स यहाँ पे नहीं होंगे, न्यूक्लियोइड नो, न्यूक्लियोइड इज द रीजन वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट, प्लाई नहीं, प्लाई का काम नहीं होता, इसलिए इट्स द प्लास्मिड जो वेक्टर का काम कर रहे होते हैं जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ताकि बैक्टीरिया के अंदर न्यू जीन्स ट्रांसफर कर सके। तो न्यू जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए आप प्लाज्मिड को यूज करते हो, नॉर्मली ये सर्कुलर डीएनए होता है और इसको आप नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर देख रहे होते हो, इसको आप यूज करते हो अगर इतने जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज द वेक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेम्ब्रेनस स्किन फोल्डिंग्स इन बैक्टीरिया दैट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कौन इनिशिएट करते हैं, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कि लेट सपोज दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको कुछ इनवेजिनेशन मिलती है बैक्टीरिया के एंड दे आर कॉल्ड द मीजोसोम्स, ठीक है, यही मीजोसोम्स आपकी डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट भी कर रहे होते हैं। सो मीजोसोम इज द राइट आंसर, मीजोसोम इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर टू द लाय बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ ये कहाँ मौजूद होते हैं, डेवलप कहाँ हो रहे हैं, एब्डोमेन के अंदर एंड बर्थ से पहले ये आपको कहाँ मिलेगा, बेसिकली 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये एक पाउच के अंदर आ जाते हैं एंड दैट पाउच इज नोन एज स्कॉटम, सो स्कॉटम इज द राइट आंसर। इन द प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सक द एग रिलीज फ्रॉम द अल्टरनेट ओवरी एवरी मंथ, ठीक है, आपको अगेन बहुत सिंपल से सवाल कह रहा है, लेट सपोज ये ओवरी ने रिलीज किया एग, इस एग को सक कौन करेगा, तो दे आर बेसिकली द फेलोपियन ट्यूब्स और ओवीडा, ओवीडा की काम कर रहे होते हैं, नॉट यूट्रस, नॉट यूरेटर, यूरेटर तो बेसिकली उसका काम भी नहीं है यहाँ पे, नॉट वजाइना, वजाइना इज अ डिफरेंट ऑर्गन जिसका सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर काम है, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू, ठीक है, आपको पता है जब लेट सपोज दिस इज द ओवरी, ठीक है, एग रिलीज हुआ तो अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एक येलो बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस येलो बॉडी को आप कॉर्पस लूटियम कहते हैं, कॉर्पस लूटियम इज द राइट आंसर, फिर ये कॉर्पस लूटियम आगे डिजनरेट कर जाता है अगर प्रेगनेंसी ना हो कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कॉर्पस लूटियम इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन रैबिट मैन एंड अदर प्लासेंटल मैमल्स, ओव्यूलेशन सॉरी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही होती है, फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है फेलोपियन ट्यूब्स में, ओविडा के अंदर, ओविडा और फेलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पस लूटियम इन मैमल्स अकर, ठीक है, कॉर्पस लूटियम कहाँ मिलता है, तो बहुत हलवा सवाल हो गया, कॉर्पस लूटियम ओवरीज के अंदर मिलता है, आंसर यहीं पे आ गया, हार्ट के अंदर, स्किन के अंदर, ब्रेन के अंदर नहीं होता, तो इसका काम क्या, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना, तो आपको पता है जब एग रिलीज हुआ पीछे बना कॉर्पस लूटियम ये मुसलसल क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा ताकि प्रेगनेंसी अगर हो तो वो मेंटेन रहे, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द रिब्स अटैच्ड टू द वर्टिब्री, रिब्स वर्टिब्री से कैसे अटैच होती हैं, आपको पता है रिब्स के रिब्स जो है वो वर्टिब्री से पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स के तौर पे अटैच हो रही होती है एंड दे आर नॉट फुली मूवेबल, दे आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है, थोड़ा बहुत मूव कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर पार्शियली मूवेबल, बॉल एंड सॉकेट तो हो ही नहीं सकता,
Yes. So A is the right answer. The next question is, which cavities are present around the joint and contain a thin oily fluid that reduces friction and keeps the joint move free freely. ठीक है, आपको पता है, लेट्स सपोज दिस इज द जॉइंट, अजीब सा जॉइंट है बट स्टिल ये जॉइंट है. ठीक है, इस जॉइंट के अराउंड आपको एक थिन थिन लेयर मिलेगी फ्लूइड की, एंड दिस एक्चुअली रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ये क्या है, विच कैविटी? अब इस कैविटी को आप क्या कह रहे हो? इट्स अ साइनोवियल कैविटी. साइनोवियल कैविटी इज द राइट आंसर. वेंट्रिकल्स आपको ब्रेन के अंदर मिलते हैं, जो कैविटीज वेंट्रिकल्स होती है ना, वेंट्रिकल वाली कैविटीज होती है, खाली जगह होती है, वो आपको ब्रेन में मिलती है, यहाँ पे नहीं हो सकती. एसिटेबुलम इज नॉट द राइट आंसर. डेल्टोइड रिज तो आपको नहीं है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस मसल कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल. लेट्स सपोज दिस इज द ब्लड वेसल. आपको पता है तीन लेयर्स होती है, ट्यूनिका एक्सटर्नल, फिर आती है ट्यूनिका मीडिया, फिर आता है ट्यूनिका इंटरनल. ठीक है, आपको पता है ट्यूनिका मीडिया के अंदर आपको स्मूथ मसल्स मिलते हैं. अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, वेसल का डायमीटर कम होता है, रिलैक्स करते हैं, वेसल का डायमीटर बढ़ता है. तो दिस इज द स्मूथ मसल. ठीक है, स्मूथ मसल स्ट्राइडेड नहीं होता, तो कार्डियक मसल हार्ट के अंदर मिलेगा, स्ट्राइडेड नहीं हो सकता, स्केलेटल नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन मेंडल क्रॉस टू कंट्रास्टिंग होमोजाइगस इंडिविजुअल, द फीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड इन F1 क्रॉस अपीयर टू बी दैट ऑफ. ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि भाई लेट सपोज मेंडल ने दो कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाया. जब क्रॉस करवाया उसको F1 में क्या मिला? ऑब्वियस सी बात है, F1 में फीनोटाइप क्या मिला? जीनोटाइप तो आपको ये मिला. अब जाहिर सी बात है ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, लेकिन इफेक्ट फीनोटाइप क्या शो होगा? टॉल शो होगा, यानी कि कैपिटल टी वाला. ऑब्वियस सी बात है, क्या शो हुआ, किसका फीनोटाइप अपेयर हुआ? डोमिनेंट पेरेंट का. किसका अपेयर हुआ भाई? डोमिनेंट पेरेंट का अपेयर हुआ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन पाइजम सैटिनम प्लांट प्रोड्यूसिंग येलो राउंड एंड ग्रीन विंकल सीड, रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन. ठीक है, F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या है? तो F2 जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आता है 9:3:3:1. आपको रेशियो पता है 9:3:3:1 का रेशियो आ गया. 9 ब्राउन येलो, येलो रिंकल 3, ग्रीन राउंड 3, ग्रीन रिंकल 3. ठीक है, आपसे कह रहा है विच रेशियो ऑफ दीज रिजल्ट कंफर्म इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हैड टेकन प्लेस. ठीक है, अब ये बताना ये चाह रहा है कि भाई कैसे आपको पता लगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है. अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि येलो वाला कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द राउंड वाला कैरेक्टर, इसी तरीके से ग्रीन वाला रिंकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता. बेसिक सिंपल सी बात है, अगर अगर येलो राउंड के साथ बाउंड होता और हमेशा येलो राउंड के साथ ही इनहेरिट होता तो देयर वुड बी नो येलो रिंकल. इसी तरीके से अगर ग्रीन रिंकल के साथ बाउंड होता तो ग्रीन राउंड कभी नहीं मिलता आपको. तो कौन सा रेशियो ये बताता है कि भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है? तो ऑब्वियसली पेरेंटल टाइप क्या है? दिस इज द पेरेंटल टाइप. ये पेरेंट्स थे ना भाई, राउंड येलो रिंकल ग्रीन. तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है ये? अब इन 16 में से ये जो आपके पास क्या आ रहा है, ये जो बेसिकली आपके पास आ रहा है 3:16, यानी कि 3 और 3, ये बताता है कि येलो राउंड पे डिपेंड नहीं करता. येलो ग्रीन आया, येलो रिंकल्ड आया, येलो रिंकल्ड आया, इसी तरीके से ग्रीन रिंकल पे डिपेंड नहीं करता, ग्रीन राउंड आया. तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है. तो सवाल ये होता है कौन सा रेशियो ये बताता है. अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, एंड दैट इज 3 out of 16 एंड 3 out of 16. दोनों 3 out of 16 ये बताते हैं कि हमारे पास ये कहानी हुई है. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट ऑब्जर्व एक्सरे ऑफ द हिप जॉइंट, सॉरी एक्सरे ऑफ अ जॉइंट ऑफ अ पेशेंट एंड डिटेक्टेड हार्डनिंग ऑफ द कार्टिलेज ड्यू टू एक्सेसिव कैल्शियम डिपॉजिट. ठीक है, एक्सेसिव कैल्शियम डिपॉजिट हुई है. एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखा और भाई उसको नजर आया कि कार्टिलेज में एक्सेस जो है कैल्शियम डिपॉजिट होता है. सवाल ये होता है कि इसकी वजह से जॉइंट स्टिफ हो गया और मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है जॉइंट को, पेशेंट को. पेशेंट को क्या हुआ है? स्पंडाइलोसिस? नहीं. शियाटिका के अंदर तो शियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही होती? नहीं. डिस्क स्लिप इज द डिफरेंट थिंग, इट्स अर्थराइटिस.
इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट। डिस्क का वर्ड आता है, तो डिस्क का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आर्थ ज्वाइंट की बात होती है, इट्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट, कार्टिलेज वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज इन विच द ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। डायबिटीज इज अ डिफरेंट थिंग जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। ब्लड ब्लाइंडनेस इज नॉट रिलेटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग। अलकैप्टन्यूरिया इज अगेन नॉट रिलेटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग। हीमोफीलिया इज द राइट आंसर। हीमोफीलिया के अंदर डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट नहीं होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बीइंग मल्टीपल अलील कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ। मल्टीपल अलील कौन सी इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया की? नहीं भाई, मल्टीपल जीन्स की बात नहीं है, मल्टीपल अलील्स की बात। अब मल्टीपल अलील्स कौन सी चीज को कंट्रोल करते हैं? ब्लड ग्रुप्स। आपने पढ़ा होगा एक जीन ब्लड ग्रुप, उसके तीन दो से ज्यादा अलील, आई ए आई बी स्मॉल आई, वेरी सिंपल। तो ये एक जीन के तीन अलील्स हैं, दो से ज्यादा अलील्स हैं, तो इट्स अ मल्टीपल अलील। ये ब्लड ग्रुप की एग्जांपल है। कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट द राइट आंसर, सिकल एनीमिया इज नॉट द राइट आंसर, सिकल सेल एनीमिया इज नॉट द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि मेनी जीन्स कंट्रोलिंग द फेट, इट्स द इट इज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ, ठीक है, किस चीज की बेसिस को फॉर्म कर रहा है। बेसिकली याद रखना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंटिन्यूस वेरिएशन को शो कर रहा होता है। किसको शो कर रहा होता है भाई? कंटिन्यूस वेरिएशन को। अब बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस के अंदर इसकी एग्जांपल आ जाती है स्किन कलर। अब आप देखते हो कि तीन जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो आपको रेंज मिलती हो, यानी कि बिल्कुल लाइट से लेकर बिल्कुल डार्क तक की आपको रेंज मिलेगी। तो नॉर्मली ये जो इस तरह की जो वेरिएशन होती है दैट इज कॉल्ड द कंटीन्यूअस वेरिएशन। अब डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन क्या होती है? डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन भाई नॉर्मली 5 मिनट अभी से 6 निकल आए, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। अगेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं हो सकता, को डोमिनेंस नहीं हो सकता। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स हैव सेम जीनोटाइप। इन दोनों का जीनोटाइप क्या है? सेम, यानी कि उन दोनों का जीनोटाइप है ही। अब सवाल ये होता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप फॉर देयर चिल्ड्रन। आ जाओ पनेट स्क्वायर बनाते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई ए स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई, तो ये हो गया आई ए आई ए आई ए स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई, ठीक है। तो चार में से तीन जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो चार में से कितने आपके पास ए ब्लड ग्रुप वाले हो गए? तीन, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे निकालोगे 75%, इसको आप इसके अंदर लिखो तो 0.75 आ गया, ठीक है, 0.75 आ गया। और एक आपके पास जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वाला, यानी कि 25% आपके पास ओ ब्लड ग्रुप वाला। तो अगर आप इसे उसके अंदर लिखोगे पॉइंट्स के अंदर तो 0.25 आ गया, नॉट परसेंट, 0.25 आ गया। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया? ब्लड ग्रुप ए सॉरी ब्लड ग्रुप ए 0.75 एंड ब्लड ग्रुप ओ 0.25। सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे आके हमारे बायोलॉजी के तमाम क्वेश्चंस जो जेएसएमयू एमडीकैट 2023 के अंदर आए थे, तमाम के तमाम डिस्कस हो गए। आई होप के वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी सवाल हो सो यू कैन फ्रीली आंसर। ठीक, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।